नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंचायत सचिव भर्ती के बारे में। तो इसका नोटिफिकेशन कब जारी होने वाला है, इसके संबंध में आज ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। इसमें बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको देने वाले हैं सचिव भर्ती के संबंध में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सभी अपडेट, महत्वपूर्ण अपडेट जानकारियाँ वहाँ पर भी आपको मिल सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है हम आपको ज़रूर सबसे पहले वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। परंतु नोटिफिकेशन कब आ सकता है, कब की संभावना है, ये हम आपको कुछ बताने वाले हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि 2 से 3 दिन पहले ये पेपर में एक भर्ती की प्रक्रिया के बारे में बताया गया था, तो उसी के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं, ठीक है। बस आपको पता है कि आपने देख लिया था, पर ठीक है, ये वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी यहाँ पर आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंचायत सचिव की भर्ती की ऑनलाइन, पंचायत सचिवों की ऑनलाइन भर्ती की सूचना मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित कर दावे आपत्ति मांगी गई है, ठीक है। अब ग्राम पंचायत में सचिवों की भर्ती ऑनलाइन हो सकती है, पोर्टल पर ही आपको ऑनलाइन करना होगा अपना आवेदन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुरैना जिले में ये पेपर में आया था, ठीक है। भर्ती निकलेगी तो सभी जिलों में, पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ निकलेगी दोस्तों, ये बात निश्चित है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वो बात कर रहे हैं कि पंचायतों में सचिवों की भर्ती की प्रक्रिया ऑनलाइन होने जा रही है, इसके लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार भर्ती प्रक्रिया में संशोधन कर रही है, इसके लिए पूरा मसौदा तैयार हो गया है। पूरी जानकारी अपडेट हो चुकी है, बस उन्हें नोटिफिकेशन जारी करना है। मध्य प्रदेश के राजपत्र 22 अगस्त को इसकी सूचना जारी कर दी गई थी, दावे आपत्ति मांगे गए थे इस महीने अंत या, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जा, इस महीने के अंत में या अगले महीने तक अंतिम प्रकाशन की संभावना है। मतलब या तो सितंबर के एंड में या अक्टूबर में आपको नोटिफिकेशन इसका प्रोवाइड हो जाएगा, और वो नोटिफिकेशन आप या तो ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत में, जिला पंचायत के नोटिस बोर्ड पर दे सकते हैं, या फिर पंचायत दर्पण के पोर्टल पर भी आपको ये जिले वाइज आप नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसी महीने के अंत में, मतलब आज हो चुकी है 27 तारीख, 28, 29, 30, ठीक है, 3 दिन ये है, या फिर अगले महीने में तो आपका आ ही जाएगा, ठीक है। अभी इसकी डेट कंफर्म नहीं है, जैसे कोई हमारे पास अपडेट आता है आपको प्रोवाइड करेंगे। मध्य प्रदेश सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तों नियम 2011 में संशोधन किया है। मध्य प्रदेश राजपत्र में सूचना प्रकाशित कर 30 दिन में दावे आपत्ति मांगे गए, उसके बाद संशोधन के इस प्रारूप पर विचार किया जाएगा। खाली पदों की पूर्ति की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगी, विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाएगी। जिलेवार खाली पदों की जानकारी सहित तय प्रारूप में जिलेवार विज्ञापन PDF फॉर्मेट में पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक जिले का अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, किस पंचायत में पद खाली है उसकी भी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में दी जाएगी। इस विज्ञापन का डाउनलोड किया जा सकता है, ठीक है, प्रिंट कराकर संबंधित जिले की जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत कार्यालय में सही सार्वजनिक जगहों पर दिया जाए। अखबारों में भी इसका विज्ञापन आगा कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बता दें कि मुरैना जिले में पंचायत सचिवों के खाली पद हैं। पंचायत सचिवों के ऑनलाइन आवेदन की जांच के बाद हायर सेकेंडरी व उच्च माध्यमिक परीक्षा के अंकों की प्रतिशतता के आधार पर, कुल अंकों के आधार पर वर्गवार, जैसे अजा, OBC, ST, SC और जनरल के अधिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, मेरिट सूची आपकी तैयार की जाएगी। पंचायत सचिव के पद के लिए आवेदक को केवल विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल पर ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए विस्तृत प्रक्रिया और निर्देश अलग से जारी होंगे, ठीक है। क्या क्या ऑनलाइन आवेदन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे, इसका एक अलग से आपको जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें आपको पूरी डिटेल दी जाएगी कि ऑनलाइन आवेदन आपको किस प्रकार से करना है। अतः ऑनलाइन के सिवाय किसी अन्य तरह से भेजे गए, अगर आपने ऑफलाइन जनपद में भेज दिए या पंचायत में दे दिए, तो वो आवेदन आपके अमान्य हो जाएंगे, वो आवेदन आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन के सिवा आप किसी तरह से नहीं भेज सकते। आवेदन करने वाले आवेदक को उस जिला का स्थायी निवासी होने के साथ साथ स्थायी निवासी के जिले की मतदाता सूची में
भर्ती वाले साल में 1 जनवरी के नाम को नाम दर्ज होना चाहिए। मतलब आप हरदा ज़िले से, अगर आप हरदा ज़िले के हैं या किसी भी ज़िले से, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि हरदा ज़िले के हैं तो हरदा ज़िले में आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आपका वोटर लिस्ट में तो 18 प्लस में नाम जुड़ जाता है, तो आपको वोटर लिस्ट में नाम तो हो गई। तो आप हरदा ज़िले का किसी भी गांव में, किसी भी पंचायत में, किसी भी जनपद पंचायत में आवेदन कर सकते हैं, पूरे ज़िले में आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। परंतु आप दूसरे ज़िले में आवेदन नहीं कर सकते, हरदा के अलावा। अगर हरदा के स्थायी निवासी हैं तो आप दूसरे ज़िले में आवेदन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही प्रक्रिया है कि इसी महीने के लास्ट में, तो मुझे संभव नहीं लगता, परंतु अगले महीने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है, आपको सबसे पहले हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।